पटना जो कि बिहार की राजधानी है, उसका नाम आते ही जहन में पटना के इतिहास का छवि दिमाग में उभरने लगती है। इतिहास के पन्नों में पूरे भारत और बिहार की छवि पटना के बगैर अधूरा है। क्या आपको मालूम है, आर्यभट्ट हो या पाणिनी, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। यदि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर करना आवश्यक है। तो आइए आज हम जानेंगे पटना शहर के इतिहास के बारे में। पटना का इतिहास और परंपरा समय की शुरुआत से ही आरंभ होती है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन था, जो 600 ईसा पूर्व इतिहास में पाया जाता है। वहीं पटना का नाम समय के साथ बदलकर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद और वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं ईसा में यहां अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद समय के साथ साथ इस नगर का महत्व कम होता गया और 16वीं ईसा में इसे फिर से नई पहचान मिली जब शेरशाह सूरी का शासन आया। वहीं एक मान्यता के अनुसार पट्टन नाम के एक ग्राम से पटना का जन्म हुआ है। कहा जाता है कि यादशत्रु ने पाटलिपुत्र बनाई थी और प्राचीन ग्राम पाटली के साथ पट्टन जुड़कर पाटलिपुत्र बना था। इसके साथ ही ग्रीक इतिहास में पाटली बोथरा शब्द आता है, जो शायद पाटलिपुत्र को ही कहा जाता था। अजातशत्रु ने इस नगर के लिए कई सुरक्षा इंतजाम भी कराया था ताकि लिच्छवियों के लगातार आक्रमण से इसे बचाया जा सके। उसने देखा कि यह नगर 3 दिशाओं से गंगा, गंडक और पुनपुन नदी से घिरा हुआ है, तो यह नगर को किला की तरह सुरक्षा प्रदान कर रही है। पटना शहर का इतिहास अभी और ज़्यादा समृद्ध है। अजातशत्रु का पुत्र अपनी राजधानी राजगृह से पटना लेकर आया था और यह स्थिति मौर्य और गुप्त काल में भी यथावत बनी रही, और वहीं सम्राट अशोक ने भी यहीं से अपना शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे पराक्रमी शासकों की यह राजधानी रही है। यहीं से चंद्रगुप्त ने अपनी सेना पश्चिमी सीमा पर ग्रीकों से लोहा लेने के लिए भेजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक और हूणों को ही पीछे ढकेला था, और साथ ही चंद्रगुप्त काल में ही यहीं पर ग्रीक दूत मेगा अस्थनीज आकर रहा था। दोस्तों, पटना का इतिहास इतना विशाल है कि प्रसिद्ध यात्री पहियान 3री ईसा में और वेन सांग 7वीं ईसा में यहाँ की यात्रा की थी, और उस समय की रहन सहन और शासन पद्धति पर विस्तार से लिखा है। और कौटिल जैसे विद्वान भी पाटलिपुत्र के हैं और अर्थशास्त्र जैसी रचना पूरी दुनिया को दी। यह नगर प्राचीन काल से ही ज्ञान और विद्वता के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। दोस्तों, अब थोड़ा जान लेते हैं वर्तमान पूर्व इतिहास की। औरंगजेब का पोता शाहजादा अजीमुशान को 1703 में पटना का गवर्नर बनाया गया था। वहीं इसके पहले शेरशाह ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना बनवाया था। वहीं दूसरी ओर शाहजादा अजीमुशान ने पटना को सुंदर शहर बनाने का प्रयास किया और उसका नाम बदलकर अजीमाबाद रखा, लेकिन फिर भी जनसाधारण के मनों में यह शहर पटना ही बना रहा। और आधुनिक समय में आज पटना अपने इतिहास को ही पीछे छोड़कर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, आधुनिकता के नए नए आयाम गढ़ रहा है। विश्व के सबसे लंबा लोहा ब्रिज गंगा सेतु अब मरियाना ड्राइव बन गया है। तो उठाइए अपना बैग और चल पड़िए पटना के गौरवशाली इतिहास को देखने और महसूस करने।